की हत्या होगी, आप उम्मीद करते हो कि व्यापारी यहाँ इन्वेस्ट करेंगे? थैंक यू सर, थैंक यू सर। अगले भैया सर 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 भैया 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 सर भैया सर 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 अखिलेश जी, अखिलेश जी भैया पिछड़े हो मानते हैं क्या? आप मानते हैं कि प्रदेश में गोरों का आतंक है? देखिए और भैया आराम से आराम से आराम से इस तरह की घटना आज के समय पर हो रही है और कोई व्यापारी तभी फेसबुक लाइव करेगा और इस तरह का कदम उठाएगा जब उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। क्या बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए? कोई सुनवाई जब नहीं हुई तभी ये कदम उस व्यापारी ने नंदलाल ने उठाया। मैं उनके परिवार से मिला हूँ, मेरी सरकार से मांग है कि उनकी पत्नी पढ़ी लिखी है, आईडी नीचे करिए ना, नौकरी मिलनी चाहिए, सरकारी नौकरी मिले, परिवार की 50 लाख रुपए से सरकार मदद करे। और ये वही सरकार है जो समाजवादियों पे कभी कभी आरोप लगाती थी कि हम मदद में भेदभाव करते हैं। इस व्यापारी की जान गई है सूदखोर, मतलब बलिया जैसी जगह पर इसकी बलिया की पहचान दूसरी है। यहाँ क्रांतिकारी लोग रहे हैं, ये समाजवादियों की धरती रही है। वहाँ इस तरह का अन्याय केवल एक परिवार नहीं है, इसके अलावा 2 परिवार और मुझे मिले हैं जिन पर इसी तरह का कर्ज लिया और जो कर्ज देने वाले सूदखोर हैं, जो सरकार से मिले हुए हैं, बीजेपी से मिले हुए हैं जी, वो लगातार इनके ऊपर अन्याय कर रहे हैं, जबरदस्ती वसूलना चाहते हैं, जितना पैसा दिया है उससे भी कई गुना ज्यादा वसूलना चाहते हैं। सोचिए अगर 1 रुपए लें और 100 रुपए वसूला जाएगा तो क्या व्यापारी खुशहाल होगा? क्या कोई जिसने अपना जीवन यापन कारोबार बढ़ाने के लिए लिया होगा पैसा, इस मिला बढ़ाने के लिए लिया होगा पैसा, ये जिम्मेदारी सरकार की है। जब सरकार अपने बैंकों से पैसा नहीं दे पाती है, आसानी से पैसा नहीं दे पाती है, तब ये सूदखोरों के पास जाते हैं जो लोकल स्तर पर दबंग लोग होते हैं जी। और बीजेपी की सरकार में माफियाओं का सूदखोरों का बोलबाला है। तो क्या यूपी में सूदखोरों का आतंक है सर? देखिए अगर ये घटना बलिया में हुई है जी, और जगह भी जब इस बात को लाया गया था सामने जी, कि जब किसानों का कर्ज माफ हो रहा है जी, तो सूदखोरों का कर्ज माफ कौन करेगा? ये सवाल उस समय भी उठा था। सरकार को ध्यान देना चाहिए था, सरकार की जिम्मेदारी बनती है और सरकार इस तरह के कारोबार को बढ़ावा नहीं दे सकती जहां पर इस तरह का अन्याय हो। बुलडोजर की भी कार्रवाई होनी चाहिए। बुलडोजर तो सरकार हर एक चला रही है, जिनका दोस्त नहीं उन पे भी बुलडोजर चल रहा है। और अगर बुलडोजर नहीं चल रहा है
तो इसका मतलब ये है कि वो बीजेपी से उसके लोग मिले होंगे, क्योंकि जो बीजेपी के लोग हैं उन पे बुलडोजर नहीं चलता है। आपको मैं तमाम उदाहरण दे सकता हूँ, सरकार ने अन्याय करके बुलडोजर चलाया है जी, जहाँ पर कानूनी चीज थे उस पर बुलडोजर चलाया जी। और यहाँ पर बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि इसलिए नहीं चल रहा है बीजेपी के लोग होंगे, बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी का ही बुलडोजर है, वो सरकार का न्याय दिलाने का बुलडोजर नहीं है, वो बीजेपी का बुलडोजर है। अगर बीजेपी का बुलडोजर है तो बीजेपी अपने लोगों पर कैसे बुलडोजर चलाएगी। अखिलेश जी, डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं कि आप पूर्वांचल को संदेश देने जा रहे हैं कि गुंडे और माफिया जो पूर्वांचल के हैं वो एक हो जाए। ये बताओ कौन से डिप्टी सीएम ने बोला? देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी के बारे में आप लोग समझदार हो, बलिया के पत्रकार साथी हो, आप तो खुद लड़ाई लड़े थे अपनी खुद की, इसमें हो सकता है कुछ लोग हों जेल होके आए थे, जब पानी बलिया में भर गया आजमगढ़ में जेल में थे, मैं खुद आना चाहता था मिलने लेकिन आप लोग रिहा पहले हो गए तो नहीं मिल पाया मैं। खैर, जो डिप्टी सीएम को इसलिए आगे करते हैं हमारे योगी मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहते जी। जो उन्होंने पहनावा दिया, पहनावा है जो उनके ऊपर, क्या एक योगी की सरकार में सूदखोर किसी की जान ले लेगा? आप खुद कल्पना करिए, ये जो योगी सरकार है खुद वो मठ के पीठाधीश, मठ के सबसे बड़े पद में बैठे हुए, उनकी सरकार में सूदखोर जान ले रहा है, कहाँ का न्याय है? और जो डिप्टी सीएम को इसलिए आगे किया जाता है, लड़ाई बड़ी है, 5,000 साल पुरानी है, कुल्हाड़ी में तभी पेड़ कटेगा ना जब उसमें लकड़ी पेड़ की लगी होगी। तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने किसी को न्याय नहीं दिलाना है। डिप्टी सीएम यहाँ क्यों नहीं आए? मुझे याद है बलवंत सिंह कस्टोडियल डेथ हुई उसकी, तक कुछ लोग हों जेल होके आए थे, जब पानी बलिया में भर गया आजमगढ़ में जेल में थे, मैं खुद आना चाहता था मिलने लेकिन आप लोग रिहा पहले हो गए तो नहीं मिल पाया मैं। खैर, जो डिप्टी सीएम को इसलिए आगे करते हैं हमारे योगी मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहते जी। जो उन्होंने पहनावा दिया, पहनावा है जो उनके ऊपर, क्या एक योगी की सरकार में सूदखोर किसी की जान ले लेगा? आप खुद कल्पना करिए, ये जो योगी सरकार है खुद वो मठ के पीठाधीश, मठ के सबसे बड़े पद में बैठे हुए, उनकी सरकार में सूदखोर जान ले रहा है, तो ये कहाँ का न्याय है? और जो डिप्टी सीएम को इसलिए आगे किया जाता है, लड़ाई बड़ी है, 5,000 साल पुरानी है, कुल्हाड़ी में तभी पेड़ कटेगा ना जब उसमें लकड़ी पेड़ की लगी होगी। तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने किसी को न्याय नहीं दिलाना है। डिप्टी सीएम यहाँ क्यों नहीं आए? मुझे याद है बलवंत सिंह कस्टोडियल डेथ हुई उसकी, सरकार ने उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी नहीं दी, 1 करोड़ की मदद नहीं की, कन्नौज में एक साख समाज का था, ये डिप्टी सीएम उनके घर गए थे, उसकी पत्नी को सरकारी क्यों नौकरी क्यों नहीं दे रहे? हम तो कहते हैं नंदलाल गुप्ता की पत्नी को सरकारी नौकरी सरकार दे, साख परिवार छिबरामऊ कन्नौज में उसकी जान की उस पत्नी को सरकारी नौकरी दे। बलवंत सिंह वो तो मुख्यमंत्री जी के स्वजाती हैं, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी दे, क्यों नहीं दे रही सरकार? इसलिए जानबूझ करके खुद जवाब नहीं देना चाहते मुख्यमंत्री, इसलिए 2 असिस्टेंट उन्होंने मंत्री रखे हुए हैं, असिस्टेंट मंत्री हैं ये, मुख्यमंत्री क्या होता है जी। ओम प्रकाश राजभर ने जो है गाजीपुर और बहराइच का नाम बदलने की मांग की है, क्या उनका कहना मानोगे? उनका याद है कौन सा गाना गाते थे जी? कौन सा? चल सरयासी मंदिर में, और अगर दूसरी लाइन उसकी पढ़ लेते वही तो कर रहे हैं आजकल बजा कर रहे हैं, चल सन्यासी मंदिर में, उसकी दूसरी लाइन क्या है गाने की, क्या हो क्या बजता है? तो वो बजा रहे हैं बीजेपी के संग। अच्छा सर, इन्वेस्टर सर, इन्वेस्टर समिट, सर इन्वेस्टर समिट में सर, सर प्लीज प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर प्लीज सर।